नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान चुनाव करने की रणनीति के साथ सामने निकल कर आया है। विवाद है, विरोध है, भारत इसके विपक्ष में, विरोध में हमेशा से मुखर रहा है। भारत की तरफ से हमेशा कहा गया है कि आप वहां पर चुनाव नहीं करा सकते हैं। वो जो इलाका है वो पीओके का इलाका है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर का इलाका है, और पाकिस्तान इस पर अब पूरी तरह से एक नई चाल चलना चाहता है। बीते कुछ दिनों में याद होगा आपको किस तरह से जो नक्शे की राजनीति लेकर सामने आया है, और वो नक्शा फिलहाल तो वो सिर्फ एक ढकोसला है, प्रोपेगेंडा है, जिसे अगर आप पत्रकारिता की भाषा में कहें तो उसे येलो जर्नलिज्म कहते हैं। लेकिन जिस तरह की साजिशें इस वक्त पे पाकिस्तान इंटरनेशनली रचने की कोशिश कर रहा है कि डिप्लोमेटिकली प्ले करेगा, उसे यूएन में कहीं ना कहीं पास कराने की कोशिश करेगा, ताकि अगर वो नक्शा इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ की अगर उस पर मोहर लगती है तो कहीं ना कहीं वो अगर लागू हो जाए। लेकिन ये सारी की सारी बातें बहुत काल्पनिक लगती है, क्योंकि भारत ऐसा होने नहीं देगा और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये पूरी तरह से वॉइड है। वॉइड मतलब लॉ के पक्ष में नहीं है, अनलॉफुल एक्टिविटी है। और इसी एक्टिविटी की तर्ज पर पहले पाकिस्तान ये नक्शा पास कराता है, उसके बारे में हम आपको बता चुके हैं कि कैसे जो SCO लेवल की बैठक हो रही थी, SCO में जो NSA लेवल की बैठक हो रही थी, उससे कैसे अजीत डोभाल ने बायकॉट कर दिया सिर्फ उस नक्शे की वजह से। और अब इमरान खान जो है वो POK में गिलगित बाल्टिस्तान के दौरे पर बहुत जल्द जाने वाले हैं, और वहां जाकर वो कहीं ना कहीं उसे ऑफिशियल करने के लिए वहां पर जो है वो इस तरह का चुनाव कराना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप चुनाव कराते हैं तो फिर आपको इसकी एक जो पूरी की पूरी परंपरा है उसमें आपको प्रतिनिधि वहाँ के, उनके बारे में जो सारा का सारा डेटा होता है, उस पूरे के पूरे इलाके, ये किस इलाके में पड़ता है, तो पाकिस्तान निश्चित तौर पर दिखाना चाहेगा कि ये क्योंकि हमारा एरिया है तो हम इसीलिए यहाँ पर चुनाव करा रहे हैं। जैसे ही आप किसी जगह पर चुनाव कराते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें ऑफिशियल तौर पर उस जगह के बारे में दुनिया के सामने रख देते हैं, दुनिया की अथॉरिटीज़ के सामने रख देते हैं, खास तौर पर UN के सामने आप एक संदेश देने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान जो है चुनाव कराकर लोकतांत्रिक परंपरा को आगे बढ़ा रहा है, ऐसी परंपराएं जिसका UN में सम्मान होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारत इसके विरोध में लगातार सामने आता रहा है। गिलगित बाल्टिस्तान को लेकर भी भारत ने लगातार अपना रुख यही रखा है कि यहां पर चुनाव नहीं कराए जा सकते। अब इमरान खान वहां जाएंगे, वहां के लोगों से मिलेंगे, प्रतिनिधियों को जब वो चुनेंगे तो देखना दिलचस्प होगा कि चीजें किस तरह से सामने निकल कर आती है, क्योंकि ये वो इलाका भी है जहां पर पाकिस्तान के विरोध में भी नारे लगते आए हैं। तो पाकिस्तान के विरोध में अगर यहां पर नारे लगे थे और अगर इमरान खान वहां पर पहुंचकर एक चुनावी मंच तैयार करना चाहते हैं, एक चुनावी अपनी सियासत को फायदा पहुंचाने के लिए एक चुनावी प्लेटफॉर्म उस जगह को बनाना चाहते हैं, तो क्या इसका स्वागत गिलगित बाल्टिस्तान के लोग करेंगे? देखना दिलचस्प होगा। भारत का रुख क्या होता है ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा इस पूरे के पूरे मसले पर। आपको क्या लगता है, क्या ये चीज़ें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और सबसे बड़ी बात, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए हमारे वीडियो को। बहुत बहुत शुक्रिया।